चलिए आगे टारगेट करते हैं हम लोग। आज सेशन 73 है और आईटी का जो सेशन है ये 37 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि नया स्लाइड लेना है और क्या अप्लाई करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 to 2013 वर्कशीट न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट एग्ज़ाम करिए। पहला चीज़ हम स्टार्ट एग्ज़ाम कर लेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद क्या करना है हमको, पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद क्या करा है, इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो देखिए आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे आइए, कोई सा भी एक न्यू स्लाइड ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने के बाद क्या करना है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट एक यहाँ पे ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ बताया भी है आपको। इंसर्ट टैब पे जाइए और ऑब्जेक्ट्स पे इंसर्ट करिए। तो हम पहले इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे आइए। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 ये देखिए शुरू में ही था थर्ड नंबर में, ये है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97.3 वर्कशीट। इसको क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि ये जो पावर पॉइंट का स्लाइड है ना, इसमें एक्सेल का एक सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और फिर कर दीजिए आप इसको सबमिट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। शेप इंसर्ट करना है तो बहुत आसान है ये, कई बार आप लोगों ने ये बनाया होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं इसको। शेप इंसर्ट करना है, सॉरी इंसर्ट टैब, फ्रेम शेप, बेसिक शेप, फॉर्मेट एडिट शेप एंड एडिट द पॉइंट ऑफ शेप, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। आपको करना क्या है, फ्रेम शेप इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करेंगे, तो पहले आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाइए, शेप्स पे जाइए, फ्रेम, मेरे ख्याल से ये वाला जो शेप है ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम वाले शेप को ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद इसके पॉइंट एडिट जो पॉइंट जो है ना, इसके पॉइंट को एडिट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट शेप, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, शेप को ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इस पर आ जाइएगा एडिट शेप। एडिट शेप में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एडिट पॉइंट, इस पर क्लिक कर लीजिए। और कुछ करना नहीं है, सिंपल इसको सबमिट कर देना है। बहुत ईजी था। इंसर्ट पे गए, फ्रेम शेप लिए और एडिट कर दिए हमने शेप को, पॉइंट को एडिट कर दिए। चलिए आगे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करना है हमको पहले पावर पॉइंट। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद इंसर्ट ए हर्ट टैब, इंसर्ट टैब से चेंज द कलर, एक हर्ट वाला शेप यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे और शेप में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है हर्ट वाला, ये जो शेप है ना, इस शेप को हम लोग हर्ट का शेप बोलते हैं, हर्ट शेप। तो ये ड्रॉ कर लेना है आपको हर्ट शेप। करने के बाद क्या करेंगे, ब्लू एसेंट 1 लाइटर 60% ऑफ शेप इन फॉर्मेट है, इसका जो कलर है शेप फील का जो कलर है, शेप का जो कलर है, आप ये कर लेंगे ब्लू एसेंट 1% लाइटर 60%। तो वो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ आ जाइएगा पहले शेप फील पे, शेप फील पे जाइए। तो ये देखिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, लेकिन इसमें देखिएगा ये आपका लाइटर कितना है, 1% एसेंट है, लेकिन ये लाइटर 80% है। तो ये देखिए उसके नीचे एसेंट 1 है, लाइटर 60%, तो सेम यही कलर हमको ये बोल रहा है इंसर्ट करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे सबमिट। तो ऐसा करके आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम पावर पॉइंट ओपन करिए। दूसरा काम क्या करिए, न्यू स्लाइड पे जाइए और एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद तीसरा काम क्या करेंगे आप, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट से चले आएंगे ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये वाला ऑब्जेक्ट लेके कर देंगे आप इसको ओके। ओके करने के बाद क्या करना, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करना है इसमें, कुछ भी। मान लीजिए हम इस जगह पे टाइप कर देते हैं KYP, ठीक है। ये करने के बाद क्या करेंगे इसका, एक मिनट आपको क्या करना है, जो KYP है ना,
केवाईपी का फॉन्ट नेम चेंज करेंगे यहाँ से, इस पे जाइए। अब फॉन्ट क्या करना है, तो कैलिब्री बॉडी करना है, तो यही है कैलिब्री बॉडी, आपको ये फॉन्ट ले लेना है। दूसरा क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे और साइज जो है वो आप कर देंगे 10। ठीक है, ये दो काम आपको करना है इस पे, और सिंपली करना है इसको बाहर क्लिक कर लीजिए एक बार। ठीक है, बाहर क्लिक करके इसको कर दीजिए सबमिट। तो ऐसा करके आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक ना, एक बार दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करिएगा, फिर एक नया स्लाइड ले लीजिएगा, नया स्लाइड लेने के बाद आप इंसर्ट पे चले जाइएगा, और इंसर्ट से वो आप ऑब्जेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट वाला ये ले लीजिएगा, और कहीं पे भी आपको टाइप कर लेना है कुछ भी इन्फॉर्मेशन, और टाइप करने के बाद आपको फॉन्ट नेम और उसका साइज दोनों चेंज करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो नया स्लाइड बोल रहा है इंसर्ट करने हैं, तो देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, पहले पावर पॉइंट ओपन करते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद नया स्लाइड ना आप इस बार यहाँ से ले लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, न्यू स्लाइड पे जाइए और एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए। न्यू स्लाइड लेने के बाद आपको पिक्चर लेना है ऑनलाइन, तो आपको मिलेगा वो पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट से ही, तो आप इंसर्ट पे ही आइएगा, ऑनलाइन पिक्चर्स है उस पर जाइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, आप इसको लिख के यहाँ से सर्च करिए। सर्च करने के बाद बहुत सारे फोटोज आएंगे, तो कोई एक फ़ोटो टिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर, ठीक ना, क्लिक करिए और यहाँ से हो रहा है इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इंसर्ट होता है थोड़ा सा समय लगा, ये डोंट माइंड इसको, वेट एन आवर करते हैं, ओके करते हैं, और अब इसको करते हैं यहाँ से हम सबमिट। तो ऑनलाइन पिक्चर आप इंसर्ट कर लेंगे इंसर्ट पे जाके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, इंसर्ट ए बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, वो भी कौन सा बेसिक साइकिल। तो पहले तो आपको क्या करना है, पावर पॉइंट खोलना है, पावर पॉइंट खोलने के बाद आप चले आएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट से चले आएंगे यहाँ स्मार्ट आर्ट पे, स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन है बेसिक साइकिल है, तो आप क्या करेंगे साइकिल पे चले आइए पहले, यहाँ पे देखिए प्रोसेस है, उसके बाद साइकिल यहाँ है, अब आपको क्या करना है इधर आना है और ढूंढना है बेसिक साइकिल कहाँ है, देखिए एक नंबर में ही है आपका ये बेसिक साइकिल, इस पर क्लिक करिए और इसको करिए सबमिट। तो ये बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट आ गया, लेकिन क्या कह रहा है आपको कि इसका कलर भी चेंज करना है और कलर SN2 करना है। कलर कहाँ से चेंज करेंगे, तो ये देखिए चेंज कलर ऑप्शन दिया है ऊपर में, जैसे ही आप ये स्मार्ट आर्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो आप चेंज कलर में जाइए और लेना है आपको SN2, ये देखिए SN1 SN2 में आपको कलरेड देखिए यहाँ पे है, कलरेड आउटलाइन है, कलरेड फिल यही लेना है, कलरेड फिल SN2 यही वाला कलर लेना है, और करना है इसको सबमिट। तो ऐसा करके आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा, ठीक है ना। आगे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट इसमें भी इंसर्ट करना है, बट इसमें हमको कुछ लिखना है, तो पहले तो देखिए आप पावर पॉइंट ओपन करिए, ठीक ना, और पावर पॉइंट ओपन करके आ जाइएगा आप इंसर्ट, इंसर्ट से आ जाइएगा आप ये स्मार्ट आर्ट में, स्मार्ट आर्ट में आने के बाद आ जाइएगा साइकिल में, और साइकिल में आप ये ले लीजिएगा कौन सा बेसिक साइकिल, ये लेने के बाद आप उसको कर देंगे ओके। बेसिक साइकिल आने के बाद क्या करना है आपको, एक चीज़ लिखना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना आप, इस पर क्लिक करके ना आप ये चीज़ टाइप कर लेंगे आप, CTS प्रोडक्ट्स। लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, दो चीज़ करना है, बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आपको पहले इसको सबमिट करेंगे, और देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन था, अदरवाइज आप होम टैब में आइएगा, यहाँ से आप बोल्ड कर दीजिए और दूसरा चीज़ इसको इटैलिक भी कर दीजिए, दोनों बोल रहा करने बोल्ड भी और इटैलिक भी, तो दोनों में यहाँ से होम टैब से कर देंगे और इसको कर देंगे सबमिट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, टेबल इंसर्ट करना नंबर ऑफ कॉलम 4,
टेबल इंसर्ट करेंगे, बहुत इजी है ये। कैसे इंसर्ट करेंगे तो सबको मालूम होगा, एटलीस्ट हम लोग पहले इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाके फिर टेबल पे जाते हैं। टेबल पे आने के बाद ना आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ चले आना इंसर्ट टेबल पे। ईजी होता है टेबल इंसर्ट करना। इंसर्ट टेबल पे जाइए, क्या करें आपको नंबर ऑफ़ कॉलम करना है 4। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो आप इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक ना। और दूसरा क्या करना है आपको, नंबर ऑफ़ रो जो करना है वो 3 करना है, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए 3 और कर देना है आपको ओके। ओके के बाद इसको करना है, इसको सबमिट। तो ऐसा करके आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा, बच जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए कोशिश करते हैं दोनों बनाने का। तो पहले बनाते हो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको टेबल इंसर्ट करना है 4x4। इसका मतलब ये जो है ना 4x4 टेबल, यानी कि 4 रो और 4 कॉलम का टेबल इंसर्ट करना है। तो पहले तुमको पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, और क्या करेंगे आप, पहले चले आएंगे इंसर्ट पे, टेबल पे, और फिर यहाँ आ जाइएगा इंसर्ट टेबल, इस पर जाइए और नंबर ऑफ कॉलम कर दीजिए 4, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 4 कर दीजिए और नंबर ऑफ रो भी कर दीजिए 4, दोनों 4 कर देंगे। करने के बाद कर देंगे इसको ओके, तो ये टेबल आ जाएगा आपका। टेबल आने के बाद क्या करना है, टेबल का स्टाइल चेंज करना है फॉर्मेट टैब में। कौन सा स्टाइल करना है, तो मीडियम साइज SN2 करना है, मीडियम साइज SN2। तो मेरे ख्याल से ये टेबल का स्टाइल है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है मीडियम साइज 2 और SN2। मीडियम साइज नहीं होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, देखते हैं एक मिनट, साइज 2 और ये भी SN2, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करके इसको सबमिट करते हैं। और डेफिनेटली कुछ गड़बड़ किया हमने, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं इसको। तो पहला चीज क्या करना है, पावर पॉइंट ओपन करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, तो इंसर्ट पे जाना है और टेबल पे जाना है, इंसर्ट टेबल पे जाना है और यहाँ लिखना है 4, और इस जगह पे भी लिखना है आपको 4। एक नंबर ये हो गया 4, पहला चीज़ हम लोग ये कर लेंगे। ऐसा करने के बाद लेआउट में तो वो ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, डिज़ाइन में ही वो ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करके हम वो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, लाइट मीडियम, मीडियम साइज, मीडियम साइज, देखिए यहाँ पे मीडियम है, इसी में से कोई हम ढूंढते हैं 1 और ये 2 SN2। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको सिंपल करते हैं सबमिट। तो देखिए इस पर बन गया, आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभार क्या होता है कि ड्रॉप डाउन से ही हमको ऑप्शन चूज़ करना होता है, ऐसे सामने भी दिखता है, हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इरा, अकॉर्डिंग टू क्लिकर, सॉरी इरा के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ बनाना होगा बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह वो सेट किया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन से जाके आप उसको चेक कर लेंगे, तो शायद वहाँ से बन जाए आपका, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आगे बनाते हैं, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, ले लेते हैं नया स्लाइड, और होम टैब सेक्शन से आपको नया स्लाइड लेना है, हमने एक मिस किया यहाँ पे, आप क्या करें अभी फिलहाल इसको। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है आपको, फर्स्ट थिंग पावर पॉइंट ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद न्यू स्लाइड एंड एड सेक्शन बाय यूजिंग होम टैब, आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन है ना, पहले तो न्यू स्लाइड ले लीजिए आप, न्यू स्लाइड लीजिए, यहाँ से ब्लैंक ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करिएगा, इस सेक्शन पे आइएगा, और सेक्शन पे आने के बाद ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और सिंपल इसको करिए सबमिट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। कुछ इशूज़ हैं इस सेशन में, थोड़ा सा इशू नहीं है, वो हो जाता है अगर आप कुछ स्टेप मिस करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से कर देते हैं एंड टेस्ट, यस, और एंड एग्जाम।